में होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। होली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस चौकी बीनागंज पर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में चांचौड़ा एडीएम थाना प्रभारी सिसोदिया, बीनागंज चौकी प्रभारी रूबी भार्गव, नायब तहसीलदार हरवीर सिंह रघुवंशी, नगर परिषद अध्यक्ष श्री कृष्ण भोला सोनी सहित स्थानीय पत्रकारों के साथ गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बैठक में आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने इस पर विचार विमर्श किया गया। होली और रंग पंचमी में हमें बस ये बताना था कि ये काफ़ी सौहार्दपूर्ण निकले। जो भी कठिनाइयाँ अगर आ रही हो लोगों को तो वो हमें बताएं। तो इसमें ये जानकारी आई है कि इसमें त्यौहार को अच्छे से मनाया जाए, रैश ड्राइविंग ना हो, कोई भी तेज़ गाड़ी ना चलाए, किसी भी तरह का नशा करके गाड़ी ना चलाए। होली के टाइम पे अगर देर रात तक ध्वनि विस्तार यंत्र का इस्तेमाल करा जा रहा है तो उसके लिए परमिशन ली जाए पहले, और इसको पूरा सौहार्दपूर्ण और एकदम होली के त्यौहार को एकदम खुशहाली की तरह। सुरक्षा को लेकर पुलिस की अति आवश्यकता होती है, यहाँ पर पुलिस की भारी कमी है, क्या कहेंगे? देखिए, कमी तो मैं ये नहीं कहूँगा कमी है, मैं ये कहूँगा कैपेसिटी तो पूरी है पुलिस के अंदर। कम में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और इससे बस हमें यह है कि लोगों के सहयोग का थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लीजिए थोड़ी कमी है भी बल्कि, तो अगर लोग और जनप्रतिनिधि और बाकी सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और लोगों की जागरूकता रहेगी तो कम पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर सकती है, जो कि हम देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छा काम। बीनागंज से ग्राउंड रिपोर्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट।